हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। माइक वॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ये दोस्तों आपका पीडीएफ के फॉर्म हमने यहाँ पर तैयार किया है, इससे आपको सारे क्वेश्चन इकट्ठे यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, पार्ट वन में हमने जीके और जीएस के यहाँ पर क्वेश्चन को लिया है सभी क्वेश्चनों को, और पार्ट नंबर टू की डॉक्यूमेंट बनाएंगे दोस्तों हम, वहाँ पर आपको देंगे रीजनिंग और मैथमेटिक के क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों इंडियन आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं, इतना से आप देखिएगा वीडियो को आखिर तक और इन क्वेश्चनों को दोस्तों समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला पार्ट आप देखते हैं सामान्य ज्ञान का, जहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान के। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, नैनीताल पर्वतीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, कौन से वाले राज्य में स्थित है आपको बताना है दोस्तों। नैनीताल जिला है दोस्तों उत्तराखंड का, तो ऑप्शन नंबर आपका उत्तराखंड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों, और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है आपको बताना है दोस्तों, वर्तमान के थल सेना के अध्यक्ष कौन है, ये जनरल विपिन रावत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो भी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की गई, ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद के ही नज़दीक दोस्तों साबरमती से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है, स्वर्ण मंदिर दोस्तों आपका अमृतसर में स्थित है, ये आपका सिख धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जोधपुर किस राज्य में स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कर्नाटका की राजधानी कहाँ है, ये बेंगलोर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, ये 1971 में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये भारत का विश्व में दोस्तों सातवां स्थान है, तो आपका सातवां सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, या फिर आप कहें किस नदी पर बनाया गया है, ये दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये बहादुर शाह जफर था दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा यहाँ पर दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका यमुना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, ये दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी में आपका ब्लू व्हेल आती है दोस्तों, मछली ब्लू, या फिर आप कहें नीली व्हेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, आपको जो ऑप्शन दिए थे दोस्तों उनमें आपका कंचनजंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विराट कोहली का संबंध किस क्षेत्र से है, अर्थात आपको बताना है दोस्तों कौन से वाले फील्ड से विराट कोहली का संबंध है, ये दोस्तों आपका क्रिकेट जगत से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो भी आपका दिया होगा क्रिकेट वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका आया था, LPG का पूरा नाम क्या है, LPG का पूरा नाम आपको बताना दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ LPG आपको बताना था, ये आपका हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है, ये आपका दोस्तों O3 हो जाएगा, ऑक्सीजन के तीन अणु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस अवस्था में बदलता है, ये दोस्तों बर्फ की अवस्था में बदलने लगता है, फ्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, ये आपका वर्षा का जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ये हीरा हो जाएगा, डायमंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बार बार आता है, एक अश्वशक्ति या फिर आप कहें हॉर्स पावर HP में कितने वाट होते हैं, ये 746 वाट होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूर्य के प्रकाश में कौन से रंग होते हैं, ये दोस्तों आपके हो जाएंगे बैनियाह पिनाला, करके आप याद रख लेंगे बैनियाह पिनाला, VIBGYOR। वी मतलब दोस्तों आपका वॉयलेट हो गया, आई मतलब आपका इंडिगो हो गया, बी मतलब ब्लू हो गया, जी मतलब ग्रीन हो गया, वाई मतलब येल्लो हो गया, ओ मतलब ऑरेंज हो गया, आर मतलब रेड हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण निम्न में से किससे होता है, आपको ऑप्शन दिए थे दोस्तों, SO2, CO2, धुआं, या फिर उपरोक्त सभी, ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और धुआं भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है ह्यूमन बॉडी की दोस्तों सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी वाली है, ये आपकी यकृत हो जाएगी, बार बार आपको बताया गया है यकृत कहें या फिर आप लिवर कहें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शक्ति का मात्रक है, आपको बताना है यूनिट ऑफ पावर, ये दोस्तों हो जाएगा वाट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों, ये दोस्तों आपको बताया गया है बार बार, रिक्टर स्केल से हम क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों,
एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? आपको एक स्वस्थ व्यक्ति का दोस्तों बीपी बताना है, ब्लड प्रेशर बताना है कितना होता है। यह आपका 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विद्युत का एक कुचालक है। विद्युत का एक कुचालक जो आपको दिया था, उनमें से आपका दोस्तों लकड़ी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना है अस्थमा शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। अस्थमा कहें या फिर आप हिंदी में दमा कहें दोस्तों, दमा रोग इंग्लिश में आपका अस्थमा होता है, ये दोस्तों श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, तो आपका श्वसन तंत्र सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन से स्तनधारी का सबसे पहले क्लोन डॉली तैयार किया गया? ये दोस्तों आपका अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग बीआरओ में, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम था, ये भेड़ हो जाएगा। सबसे पहले भेड़ का ही क्लोन तैयार किया गया। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको अलग अलग वीडियो में डिटेल में बताए भी गए हैं, आप चाहें तो अंदर भी देख सकते हैं, और ये आपका पीडीएफ के फॉर्म में है दोस्तों। अब देखिए, रीजनिंग और मैथमेटिक के आपके क्वेश्चन जो बचे हैं उनको हम अगले पार्ट में आपको करा देंगे दोस्तों। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, इसके लिए हम दोस्तों आपको नीचे लिंक दे देंगे इसका, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।